क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपके सामने। त्रिभुज एबीसी की तीन माध्यक एडी बीई और सीई सीएफ एक दूसरे को जी पर काटते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी के तीन माध्यक है एडी बीई और सीएफ एक दूसरे को जी पर काटते हैं। देखिए इस लैंग्वेज का हम क्वेश्चन तैयार करते हैं। त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। त्रिभुज एबीसी और इसके तीन माध्यक है एडी, जो त्रिभुज को बीचों बीच काटता है उसे माध्यक बोलते हैं एडी। दूसरा हो गया बीई, तीसरा हो गया सीएफ। सीएफ और ये एक दूसरे को जी बिंदु पर काटते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था या मैं आप दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को एक ही बिंदु पर काटती है तो उसमें समान त्रिभुज बन जाते हैं, यानी कि समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज बन जाते हैं। अब इसमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 30, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज सी जी ई यानी कि सी जी ई का क्षेत्रफल बताना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि माध्यिकाएं आपस में त्रिभुजों को समान क्षेत्रफलों में बांट देती है, तो 1 2 3 4 5 6 समान त्रिभुज बन गए और समान क्षेत्रफल वाले बन गए। तो ये पूरे त्रिभुज एबीसी का 1/6 भाग है सी जी ई, त्रिभुज सी जी ई 1/6 भाग है ये, यानी 6वां भाग है। तो हमें पूछा है त्रिभुज सी जी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी जी ई का क्षेत्रफल, तो इसको हल कर लेंगे 6 5 30 5 1 5 तो 5। देखते हैं ये शायद गलत ना लिखा हुआ हो। हाँ इसमें एक प्रॉब्लम्स है, एक छोटा सा मिस्टेक हो गई है मुझसे। यहाँ पर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ये 36 है, 36। तो ये नोट कर लीजिए सही तरीके से 36। अब 36 को हम इसे डिवाइड करेंगे 6 6 36 6 6 36, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो गया 6 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान, यानी कि 6 समान त्रिभुज बन गए, 6 से इसको काट दीजिए 6 6 36, या 36 के 6 समान भाग कर लीजिए, देख लीजिए पता लग जाएगा 6 6 भाग होते हैं 6 6 36। बहुत आसान है, बहुत इजी है। अब इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है आपके सामने। एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए ये हमारा वृत्त हो गया, ध्यान से देखना, ये ऊपर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर बनाऊंगा, क्वेश्चन को ऊपर हल करूंगा। यहाँ पर इसके लिए जगह शायद कम है तो मैं इस क्वेश्चन को ऊपर ही हल करूंगा। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, एक वृत्त की जीवा। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे, ये हमारा वृत्त बन गया, ये वृत्त का केंद्र हो गया और वृत्त की जीवा हमने ये खींच दी ए बी, हमारे वृत्त की जीवा हो गई ए बी, और वृत्त की जीवा ए बी उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए वृत्त की त्रिज्या होती है हमारे यहाँ से ए ओ, ए ओ या ओ बी, ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है और ये वृत्त की जीवा इसकी त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ से हमें पता लग गया ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन गया, ए ओ बी या ए बी ओ समबाहु त्रिभुज बन गया, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं समान हो गई,
इसकी जीवा भी उसकी त्रिज्या के बराबर हो गई। और जब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान होता है, 60 60 डिग्री का होता है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण समान हो जाते हैं जब समबाहु त्रिभुज आता है तो उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। देखिए यहाँ तक हमने क्वेश्चन को हल कर दिया। अब इसमें कहा गया है कि जीवा के छोर पर, जीवा का छोर, छोर मतलब किनारा, सिरा यानी कि यहाँ पर, चाहे इधर मान लीजिए चाहे इधर एक ही बात है, छोर पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। देखिए वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे हम, यह हमारी स्पर्श रेखा हो गई, कुछ भी लिख लीजिए स्पर्श रेखा का मान। तो स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण बताना है। देखिए ये हमारी जीवा है ये, और ये स्पर्श रेखा के बीच का ये वाला कोण पूछा है। अब देखिए आप सभी को पता है वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। लिख लीजिए आप वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ध्यान रखना ये बात। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या हमारी ये हो गई OA और स्पर्श रेखा ये हो गई, तो इन दोनों के बीच का कोण यहां से यहां तक 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब 90 में से हमें पता है इतना कोण हमारा 60 है, तो बचा हुआ 30 रह गया, ये 30 हो जाएगा। तो वृत्त की जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हो गया 30। ऑप्शन ए है हमारे क्वेश्चन का आंसर, 30। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये। यदि पाई साइन थीटा बराबर एक और पाई कोस थीटा बराबर एक हो तो रूट तीन टेन दो थीटा बटे तीन प्लस वन का मान बताओ। अब देखिए क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल करेंगे। देखिए पाई साइन थीटा बराबर एक, इस कंडीशन को दूसरी कंडीशन से भाग करेंगे। देखिए क्वेश्चन को हल करते हैं, पाई साइन थीटा बराबर एक और भाग करेंगे पाई कोस थीटा बराबर एक। पाई से पाई कट गया, साइन बटे कोस कितना हो गया टेन थीटा, और एक से एक भाग करेंगे टेन थीटा बराबर एक, और टेन थीटा बराबर एक किसका होता है टेन 45 का, तो टेन थीटा बराबर यहां पर हो गया हमारा 45 डिग्री। देखिए टेन थीटा बराबर एक है तो एक किसका होता है टेन 45 का मान एक होता है, तो यानी कि थीटा बराबर 45 का मान रखा जाएगा। आप देखिए थीटा बराबर 45 इसमें पुट कर देंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब करते हैं देखिए रूट तीन गुणा थीटा का मान यहाँ पर भरेंगे 45 दूनी 90, देखिए 90 भर लीजिए, 45 दूनी 90 को तीन से भाग करेंगे प्लस वन, तीन से भाग करेंगे 30, रूट तीन गुणा टेन 30 का मान कितना होता है एक बटे रूट तीन होता है और प्लस वन। अब देखिए रूट तीन से रूट तीन कट गया, वन प्लस वन बराबर हो गया दो, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया दो। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है दो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्वेश्चन है और इतना ही खतरनाक ट्रिक्स है, इतने खतरनाक कॉन्सेप्ट से मैं इसको हल करूंगा और कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में फेल नहीं होगा। आप जे जितने क्वेश्चन चेक कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट से, जब समय 3 वर्ष दिया हो और साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हो व मूलधन पूछा जाए, तो इस तरह के चाहे 1000 क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। वैसे इसके बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे तरीके हैं, वे भी मैं
जानता हूं और सब बता सकता हूं, लेकिन उन सभी में सबसे खतरनाक ये है जिसको मैं बताने जा रहा हूं। मेरे आइडिया से तो ये सबसे खतरनाक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए, 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 93 रुपये है, तो वह राशि कितनी है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से किया करते हैं कि हमारी दर परसेंट देखते हैं कितनी है। हमारी दर है 10%, और दर 10 से, जो दर परसेंट 10 है, 10 से हम अंतर को काट लेते हैं, यानी कि भाग करते हैं। तो 10 से 93 को भाग करेंगे, 10 9 90, जितना शेष बचता है बस उसको लिख लेते हैं। ये है इसका कॉन्सेप्ट। देखिए, दर परसेंट 10 से इसको भाग करेंगे, परसेंट नहीं लिखेंगे, सीधा 10 10 से भाग करेंगे इसको 93 को, जो शेष बचेगा वो लिखेंगे। देखिए, 10 9 90, 3 शेष बच गया, लिख लिया इधर इक्वल के बराबर, इधर बराबर 10 9 90, 3 शेष बच गया। अब इधर लिखेंगे मूलधन का, मूलधन का ये लिखेंगे, ए 10% को कैसे लिखते हैं। देखिए, 10% को लिख सकते हैं 1/10, ऐसे लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो मूलधन का 10% है, तो मूलधन का 10% को हम लिख सकते हैं 1/10 का घन। घन इसलिए किया है क्योंकि समय 3 वर्ष है। अगर समय 4 वर्ष होता तो घात 4 लिखते, समय 5 वर्ष होता तो घात 5 लिखते। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही हल कर सकते हैं और हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से हमें मिल जाएगा। देख लीजिए आप, मूलधन पूछा है इसने, मूलधन आ जाएगा। मूलधन गुणा 1 का घन 1/10 का घन होता है 1000/3। इसकी ब्रज गुणा करेंगे, पी कम पी बराबर हो गया 1000 3 3000। तो देखिए, हमारी मूलधन राशि आ गई 3000 रुपये। बहुत इजी है, बहुत आसान है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे तरीके हैं इसे हल करने के, बट मुझे अच्छा ये लगता है इसलिए मैंने इसको हल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, यानी कि ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, तो इसको आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा। यदि हमारा समकोण त्रिभुज में यहाँ पर कोण 45 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर हम इसका रेशो मेथड बना लेंगे। 45 डिग्री का मान होता है टेन 45 का मान एक होता है, तो यहाँ पर भी 1 और बटे में इसका 1 1 यहाँ पर, क्योंकि टेन थीटा लंब बटे आधार हो, लंब और आधार 1 1 आ जाएगा, यानी कि हम रेशो मेथड बना रहे हैं इसका। देखिए, रेशो मेथड बना रहे हैं, अगर 45 का कोण आता है तो इसकी आधार भुजा का रेशो 1 होगा और लंब भुजा का रेशो 1 होगा। और यदि ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड, यदि हमारा 30 डिग्री का कोण आता है तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1, इसकी आधार भुजा √3 होगी अनुपातिक रूप में, और लंब भुजा होगी 1, तो इसका रेशो बन गया 1:1 और इसका बन गया 1√3 ऐसे। और यदि इसके करण भुजा निकालनी है तो वो हो जाएगी हमारी √2 और ये हो जाएगी हमारी 2, यानी कि तीनों भुजा ये हो जाएगी। तो ये रेशो मेथड होता है, यदि आप इस पॉइंट को जानते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से मैं क्वेश्चन को हल करूंगा, ध्यान से देखना। एक ध्वज स्तंभ पर रखे ध्वज के शीर्ष और पाद से 30 मीटर की दूरी से उन्नयन अनुकोण क्रम से 45 डिग्री और 30 डिग्री है, ध्वज की ऊंचाई कितनी है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो अब हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को हल करेंगे। एक ध्वज स्तंभ, देखिए हमारा ध्वज स्तंभ ये बन गया, इसको लिख लेंगे हम ए और बी,
ध्वज स्तंभ हो गया हमारा ए बी, और ध्वज स्तंभ पर रखे ध्वज का शीर्ष, इस पर एक ध्वज रखेंगे ए डी। देखिए ए और डी एक ध्वज रख दिया इस पर हमने, ये ए डी ध्वज हो गया, और ध्वज के शीर्ष और पाद से, इस शीर्ष से और पाद से, और यहां से 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी बना लीजिए, इसके शीर्ष से 45 डिग्री का कोण बनता है और इसके पाद से 30 डिग्री का कोण बनता है। तो ध्वज की ऊंचाई कितनी है, ये वाली हाइट बतानी है, ध्वज की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, हो जाएगा यहाँ से। और इसमें एक खास बात और दी गई है, यदि रूट बराबर दिया है 1.732, तो जहाँ भी रूट तीन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम 1.732 का मान भर लेंगे। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर कोण 45 डिग्री है, तो इसकी आधार भुजा एक हो जाएगी और इसकी पूरी लंब भुजा ये भी एक हो जाएगी, तो एक के बराबर यहाँ 30 है, तो यहाँ पर भी हमारी ये पूरी ए बी की लंबाई 30 मीटर हो जाएगी। ध्यान से देखना, देखो 45 है तो इसकी आधार भुजा एक या एक, या एक के बराबर 30 है, या यहाँ लो 30 है, हमारा अनुपातिक मान एक है, तो एक बराबर 30 यानी कि एक यूनिट बराबर 30 मीटर है, तो यहाँ पर भी ये एक ही है यहाँ लो, तो इसका मतलब एक यूनिट बराबर 30 हो गया, तो ये हमारा इतना मान तैयार हो गया। अब हम 45 से कर वो 30 से हल करेंगे, 30 डिग्री से, ध्यान से देखना 30 डिग्री, जब 30 डिग्री आता है मैंने बताया था 30 डिग्री के लिए ये रूट तीन होगा आधार भुजा का अनुपात और ये लंब भुजा का एक होगा, तो यानी कि ये रूट तीन के बराबर हो जाएगा ये, और ये भुजा एक हो जाएगी यहाँ। अब मैं इससे इसको भाग करूंगा, तो इससे से भाग करने के लिए हमारा कितना होगा, ये रूट तीन से इधर भी गुणा, रूट तीन से इधर भी गुणा कर लेंगे, 3 × 2 = 30, तो ये हो गया एक यूनिट के बराबर हो गया 10√3 एक यूनिट, और एक यूनिट का मान यहाँ पर हम भर लेंगे, यहाँ पर इसका 10√3, ये हो जाएगा हमारा 10√3। अब देखिए हमारी H की लंबाई पूछी है, तो पूरी लंबाई 30 में से ये वाली BD की लंबाई घटा देंगे, 10√3 हमारा H आ जाएगा। तो देखिए अब आसानी से आ जाएगा H, 30 में से 10√3 घटा देंगे, जैसे कि 30 − 10√3 का मान दिया है 1.732, 30 − 10 से गुणा करेंगे 17.32, अब हम 30 में से घटाएंगे तो 12.68 बचता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ध्वज की ऊंचाई 12.68 मीटर है, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 से 25, तो हमारे क्वेश्चन 22 से 25 इस ग्राफ द्वारा दिए जाएंगे। देखिए आपके सामने एक ग्राफ है और इस ग्राफ के 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इसमें से, तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से सोच समझकर ध्यान से देना है जवाब इनका। देखिए तो अब हम इसको बहुत ही आसानी से हल करेंगे और एक ही तरीका इसको हल करने का होगा, हमें इसकी लैंग्वेज को अच्छी तरह समझना है। तो देखिए हमारे सामने ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें लिखा है कि बार ग्राफ को ध्यान से पढ़े, और इसमें एक देश का 1991-92 से 1998-99 तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि मिलियन यूएसए डॉलर के रूप में दिया है ये, तो ये मिलियन यूएसए डॉलर के रूप में ये एक्सचेंज रिजर्व दिया है 1991-92 से 1998-99 तक का दिया है। अब हमें इसमें से निम्नलिखित पूछे गए क्वेश्चनों का जवाब देना है, ये हमारा बार ग्राफ है और इसमें से हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है।
तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन 22 आता है, ऐसे वर्षों की संख्या, देखिए इन वर्षों की संख्या पूछ रहा है, 1991, 92, 92, 93, 93, 94, ये वर्ष है नीचे लिखे हुए, ऐसे वर्षों की संख्या जिनमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से ऊपर रहा हो, और ऐसे वर्षों की संख्या, ये दोबारा पूछ लिया, और ऐसे वर्षों की संख्या जिनमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत रिजर्व से नीचे रहा हो, उनका अनुपात बताना। यानी कि इसमें ये पूछा गया है उन वर्षों की संख्या बताओ जिनका औसत 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 रिजर्व से ऊपर रहा हो, और उन वर्षों की संख्या बताइए, मतलब उनका अनुपात बताइए जिनका औसत रिजर्व रिजर्व से नीचे रहा हो। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम सबसे पहले औसत निकालते हैं, क्योंकि ये औसत कह रहा है औसत, तो इन सभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का औसत निकाल लेंगे, ये जो डॉलर में लिखे हुए हैं इन सभी का औसत निकालेंगे। ये हमारे 8 सालों का टोटल डॉलर है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सालों का, तो इनका औसत निकालेंगे। सबसे पहले एवरेज निकालेंगे। एवरेज का कॉन्सेप्ट आप सभी को पता है, सभी का योग बटे पदों की कुल संख्या, पदों की कुल संख्या 8 है, तो सभी को जोड़ेंगे, 2640 + 3720 + 2520 + 3660 60 + 3320 + 4420 + 5040 + 3120 और बटे सभी को 8 से भाग करेंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। अब इन सभी का जोड़ करेंगे, 27840 है, जोड़ लेना आप सभी, इसका जो योग आएगा 27840 आएगा, और 8 से इसको भाग करेंगे तो औसत आ जाएगा 8 3 24, 3 बज गया हो गया 38, 8 4 32, 6 बज गया 8 8 64 और 0, तो ये इसका औसत आ गया 3480। तो 3480 इसका औसत है, ध्यान से देखना, 3480, 3480 इसका औसत है। अब ये कह रहा औसत से ऊपर, औसत से ऊपर, तो हमारा 3480 से ऊपर कितनी संख्याएं है, अर्थात कितने वर्ष है, ये देखने हैं जिनका मान 3480 से ऊपर है। देखिए 3480 से ऊपर एक ये हो गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, एक ये हो गया, दो, एक ये हो गया, तीन, तीन हो गया 3480 से ऊपर, ऐसे साल हो गए हमारे तीन, ये हो गए 1992-93, और एक ये हो गया हमारा 1996-97, और एक ये हो गया 1997-98, ये तीन हो गए हमारा, इनका हमें अनुपात निकालना। तो औसत से ऊपर इस 3480 से ऊपर 3 वर्षों में आती है ऐसी संख्या, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इससे 3400 से 3480 से नीचे देखेंगे कितने वर्षों में आती है ऐसी संख्या, 3400 से नीचे ये है 1 2 3 4 और 1 5, तो हमारे क्वेश्चन का मान आ गया 3:5। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल गया, 3:5। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए ग्राफ का क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्ष 1996-97 में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का लगभग कितना परसेंट है। देखिए औसत फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मान हमने 3480 निकाला था, इस 3480 का ये 1996-97 में, ये 1996-97 में 4320 है, ये कितना परसेंट है, लगभग 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, अब इसको हल कर लेंगे, हमारा लगभग परसेंट आ जाएगा 124%।
ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा लगभग 124%। ऑप्शन डी इसको हल कर लेना, यही इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन। वर्ष 1997-98 में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कितना परसेंट अधिक बढ़ोतरी हुई? देखिए 1997-98 हमारा यहाँ पर बैठता है ये वर्ष, तो 5040, और 1993-94 की मान बैठता है हमारा 2520। तो यूँ कह रहा 1993-94 की अपेक्षा 1997-98 में कितना परसेंट की अधिक बढ़ोतरी हुई? तो आप देख लीजिए 2520 पर 50-40 हो गया, यानी कि 2520 ही बढ़ गया, और परसेंट में पूछा 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, इसको हल कर लेंगे 2520 से 2520, तो 100% की बढ़ोतरी हुई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 100%। ऑप्शन ए है 100%। देखिए पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वर्ष 1991-92-93-94 के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का योग, तो पहले इनका योग कर लेंगे, 92-93-94 तक का इनका योग करेंगे। देखिए 2640 प्लस 3720 प्लस 2520, देखिए इनका योग कर लेंगे कितना योग है इनका, 0 0 0, 2 2 4 4 8, 5 और 7 12, 12 और 6 18, हस्तलेख 3 3 6 2 8, ये हो गया इनका योग। अब हम इनका योग करते हैं, देखिए वर्ष 1995-96-97 इनका योग करेंगे, 3320 प्लस 4320 प्लस 5040, इन्हें जोड़ेंगे कितना हो गया, 0 0 0, 4 2 6 2 8, 0 3 और 1 4, 5 4 9 9 3 12, 12 480। देखिए इन 3 वर्षों का योग ये हो गया, पहले 3 वर्षों का योग हो ये हो गया। अब इनका अनुपात बताना है, तो देखिए इनका अनुपात बताएंगे, इनका अनुपात हम यहाँ पर बता सकते हैं या यहाँ पर भी हम बता सकते हैं। देखिए अट्ठासी सौ अस्सी अनुपात 12480, 0 दे 0, देखिए 0 से 0 काट दिया, 8 से काटते हैं हम इसको, 8 से 111 बार, 8 एकम 8, 4 8 5 40, 8 6 48, कट गया। 3 से काटते हैं यहाँ पर, 3 से कट जाएगा, ये 3 से ये 37 बार कटेगा, और 3 से ये घटेगा, 3 बजे 15, 3 6 52 बार, तो हमारा रेशो आ गया देख लीजिए 37:52। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 37:52। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे कि हम आपके सामने और आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो पेश करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।